तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां 22 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। संपर्क में आए लोगों की तलाश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1300 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, 22 लोगों की रिपोर्ट जिसमें से पॉजिटिव आई है और जांच के लिए 1300 सैंपल भेजे गए थे। संपर्क में आए सभी लोगों की तलाश जारी है और इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। एक बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब और ज्यादा बढ़ गया है। 22 मरीज आज निकलकर सामने आए और उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता दुर्गेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दुर्गेश, राजधानी भोपाल से 22 मरीज और मिले हैं कोरोना पॉजिटिव, किस इलाके के ये हैं, कैसे संक्रमित हुए, क्या कुछ हिस्ट्री निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अमनदीप की राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज करीब 1300 सैंपल लिए गए थे जांच के लिए, दो दिन पहले जिनकी रिपोर्ट आज आई है, जिन पर 22 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी हॉटस्पॉट इलाके से हैं, जो कि बाणगंगा क्षेत्र जो नए हॉटस्पॉट इलाकों में तब्दील होते जा रहे हैं। बाणगंगा क्षेत्र से जो कोरोना पॉजिटिव आए थे, उनके संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल जुटाए गए थे और सैंपलों को जब जांच के लिए भेजा गया है तो उनमें से भारी तादाद में लोग संक्रमित मिले हैं। उसके अलावा जहांगीराबाद इलाके और ऐशबाग इलाकों से भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। दुर्गेश, जिस तरह से बाणगंगा से निकलकर कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, लगता है कि जहांगीराबाद के बाद में बाणगंगा ही ऐसा इलाका होगा जो दूसरा हॉटस्पॉट बनेगा? बिल्कुल अमनदीप, यह कहना बिल्कुल ठीक है, लाजमी है कि राजधानी भोपाल में अभी तक कोरोना का जो कहर था पुराने भोपाल तक सीमित था। जहांगीराबाद में भारी तादाद में कोरोना पैर पसार चुका था, लगभग 300 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया था। उसके बाद अब यह नए दो इलाके हैं, एक तो काजी कैंप जो राजधानी भोपाल का सबसे हैवी डेंसिटी और हाई पॉपुलेशन वाला इलाका माना जाता है। कहा जाता है कि वहां पर बड़े वाहन भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो काजी कैंप में भी यह हॉटस्पॉट इलाका बनता जा रहा है। वहीं पर अब नए भोपाल में एक इलाका जो बाणगंगा इलाका नए भोपाल में आता है, नए भोपाल में यह पैर पसारता जा रहा है और बाणगंगा में भारी तादाद में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। दुर्गेश, 1300 सैंपल भेजे गए थे जिसमें से ये 22 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या पूरे के पूरे 1300 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है या कुछ अभी आना बाकी है? बिल्कुल अमनदीप, ये सभी पूरे भोपाल शहर से सभी हॉटस्पॉट इलाकों से जो जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे दो दिन पहले, उनके संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल जुटाए गए थे 1300 लोगों के, और 1300 लोगों की जब जांच की गई तो 1300 लोगों की रिपोर्ट जो आई उनमें से 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बाकी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव है। जी चलिए दुर्गेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।